कहते ही वैबशाला। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एडिशन फ्रॉम 1 to 9। सो आप लोग देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं 4 स्नेल्स हैं। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4। और इस पिक्चर में देखिए 2 स्नेल्स हैं, 1, 2। तो टोटल यानी दोनों को मिलाकर कितने स्नेल्स हो गए, काउंट कीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 4, ये 2, टोटल हो गया 6। यानि 4 स्नेल्स प्लस 2 स्नेल्स मेक्स 6 स्नेल्स। उसी तरह से आप यहाँ पर एप्पल्स देखिए, कितने एप्पल्स है काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कितने एप्पल्स हैं, 2, 1, 2। अब टोटल देखिए कितने एप्पल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कितना हुआ, 7। यानी 5 एप्पल प्लस 2 एप्पल मेक्स 7 एप्पल। इसी तरह से नीचे देखिए, स्टार्स काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4। ये 4 है, ये भी 1, 2, 3, 4 4 है। सो 4 प्लस 4 टोटल कितना हो गया, लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे 8। इसी तरह से आपको आइसक्रीम काउंट करके भी आंसर लिखना है। इसे हम कहते हैं एडिशन। 4 स्टार्स में जब और 4 स्टार्स ऐड किए तो टोटल हो गया 8। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। नाउ लेट्स सी सिंबल्स इन एडिशन। तो एडिशन में हम 2 टाइप के सिंबल्स यूज करते हैं। पहला होता है प्लस का। प्लस का सिंबल मतलब 2 नंबर्स को ऐड करना, प्लस करना। इस सिंबल को हम कहते हैं प्लस का साइन। और जब हमें आंसर लिखना होता है, 2 नंबर्स को प्लस करने के बाद जब हमें आंसर लिखना होता है, तो हम इस तरह से 2 लाइंस बीच में खींचते हैं जिसे इक्वल टू कहते हैं। तो इस साइन को कहा जाता है इक्वल टू का साइन। अब आप देखिए यहाँ पर 5 पेंगुइन्स हैं। काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। और इस तरफ 3 पेंगुइन्स हैं, 1, 2, 3। तो हमें इस 5 को और इन 3 पेंगुइन्स को प्लस करना है या ऐड करना है, तो हम बीच में इस तरह का साइन लगाएंगे। और अब हमें इनका टोटल आंसर लिखना है। तो 5 प्लस 3 टोटल कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंसर लिखना है। तो बीच में हम ऐसे इक्वल टू का साइन लगाते हैं। वैसे ही इसमें देखिए 2 पेंस है। 2 पेंस में हमें 5 पेंस को ऐड करना है, तो उसके लिए बीच में हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और जब हमें टोटल आंसर लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम बीच में इक्वल टू का साइन यानी इस तरह से 2 लाइंस खींचेंगे। नाउ लेट अस सी नंबर लाइन एडिशन, मतलब एडिशन ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन मतलब ऐसी लाइन जिसके ऊपर डिफरेंट नंबर्स लिखे हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह के नंबर्स अगर लाइन पर लिखे हों तो उसे हम कहते हैं नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर हमें नंबर्स को ऐड करना है।
जैसे आप देखिए 5 प्लस 2 करना है, तो सबसे पहले आपको कौन सा डिजिट दिख रहा है? 5। इस नंबर लाइन में देखिए 5 कहाँ लिखा हुआ है, तो 5 को आप कीजिए सर्कल। अब इस 5 में आपको कितना ऐड करना है? इस 5 में आपको ऐड करना है 2। तो 5 से आगे आप 2 काउंट कीजिए, 1 2। 5 के आगे 1 और 2, तो आपका आंसर हो गया 7। हमने 5 देखा नंबर लाइन पे, उसमें 1 और 2 ऐड किया, तो आंसर हुआ 7। वैसे ही एक और एग्जांपल देखिए, 3 प्लस 6। आपको 3 में 6 प्लस करना है, तो पहले आप 3 देखिए नंबर लाइन में, 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? ये, तो 3 को कीजिए सर्कल। अब 3 में आपको कितना ऐड करना है? 3 में आपको ऐड करना है 6, तो आप 3 के आगे 6 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 and 6। तो 6 पर नंबर कितना आया? 9। सो 9 इज योर आंसर। सो 3 प्लस 6 becomes 9। इसी तरह से आप अगले जो दो जो है वो होमवर्क में करेंगे।